राजू तो भाग क्यों रहा है? राघव भैया, नरेंद्र भैया नहीं लौटे। लौटे नहीं मतलब कहाँ गए थे? बड़े वाले जंगल में। ये क्या, वो नहीं जानता था कि उस जंगल में जाना मना है? जानता था, पैसों की कमी के कारण और महाजन के तगादे की वजह से वो रह नहीं पाया और जिद में आकर उस जंगल में लकड़ी काटने चला गया। सत्यानाश! अरे उसके घर में तो उसकी बीवी बच्चे भी हैं। मैं जाता हूँ उसके घर में, खबर देता हूँ। अरे बेटा रामू, कहाँ हो? अंदर हो क्या? हाँ आइए आइए। भोला, एक चटाई लेकर आना जरा। अरे नहीं 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 नहीं, रहने दो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। रामू, तुम तो आजकल दिखाई ही नहीं पड़ते हो। कब जंगल में जाते हो और कब घर पर वापस आते हो, कुछ पता ही नहीं चलता। जी, लकड़हारी की जिंदगी है, लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो पेट कैसे भरेगा। बिल्कुल सही। पर रामू, अब मेरी जिंदगी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ जी, ठीक है। हाँ, सूद असल मिलाकर जितने हुए उससे तो अपना खेत तुम्हें मेरे नाम करना ही पड़ेगा भाई। मालिक मालिक, ऐसा मत करिएगा मालिक, वरना बीवी बच्चे के साथ सड़क पर बैठना पड़ेगा। मालिक, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए मालिक। ठीक है। देखो, मैं भी थोड़ा सा दयालु हूँ, इसीलिए एक हफ्ते का और वक्त दिया। उसके बाद फिर मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों जी, क्या हो गया? अरे बाबा, अब आप कहाँ चल दिए? उस महाजन के हाथों अगर अपना खेत खलिहान बचाना है तो फिर मुझे और भी लकड़ियाँ काटनी होगी रानी। क्या करूँ, जिंदा रहने के लिए अगर मरना पड़े तो वही करना पड़ेगा ना। मैं चला उस बड़े और घने जंगल में। नहीं 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 नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ सुनिए, आप मत जाइए आप। माँ, उस बड़े जंगल में आखिर क्या है? बेटा, वो उत्तर दिशा का एक बहुत ही भयानक जंगल है। सुना है वहाँ एक डायन बुढ़िया रहती है और वो सारे लकड़हारों को गायब कर देती है। बेटा, बुढ़िया? एक बुढ़िया में इतनी शक्ति है? आप फिक्र मत करो माँ, पिताजी ठीक लौट आएंगे, जरूर लौट आएंगे। तेरे पिताजी तो आज भी नहीं लौटे भोला, 3 दिन हो गए उन्हें गए। माँ, माँ, क्या मैं एक बार जाऊँ पिताजी को ढूंढने उस बड़े जंगल में? हाँ, क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ नहीं माँ, दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो बुढ़िया कौन है जिसने मेरे पिताजी को पकड़ कर रखा है। नहीं भोला नहीं, तेरे अलावा मेरा और कोई भी नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है मेरा। माँ, नरेंद्र चाचा का भी तो कोई नहीं है, चाची भी बहुत उदास है, मैं नरेंद्र चाचा को भी वापस ले आऊंगा, आप देखना। मत जा बेटा, मत जा। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की रक्षा करिए, ऊपर वाले रक्षा करिए। किस तरफ होगा? उत्तर की तरफ बताया था माँ ने, सूर्य अभी इस तरफ है तो फिर बाप रे, कितना घना जंगल है, इसका मतलब लकड़हारे इस तरफ नहीं आते, तो फिर इस तरफ होगा। मधुमक्खी, इसका मतलब इस तरफ मधुमक्खियों का छत्ता है, लकड़हारे नहीं आते इसलिए निश्चिंत होकर उन्होंने अपना छत्ता लगाया। क्या हुआ, ये इन लोगों में इतनी हलचल क्यों मच गई है? कोई मुसीबत तो नहीं है? अरे इस जंगल में घर, तो क्या यही उस बुढ़िया का घर है? अब उस घर की तरफ ही चलना होगा मुझे। अरे बाप रे, कितना बड़ा आंगन है, कितने सारे पेड़ हैं।
आ जा मेरे पोते, तू खुद ही आ रहा है, ये देखकर ताजुब हो रहा है। मैं अपने पिताजी को लेने के लिए आया हूँ। पिताजी? वो तो मेरे जंगल में लकड़ी काटने आया था। तुम इंसान जंगल काटकर साफ करते जा रहे हो। ये जंगल मेरा है, इस जंगल का एक भी पेड़ मैं काटने नहीं दूंगी। ठीक है, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, सिर्फ मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। ठीक है, पर तू पहले मेरे सर के सफेद बाल जरा निकाल दे, और सुन, एक भी सफेद बाल नहीं बचना चाहिए। इस दादी के तो सारे ही बाल सफेद है, फिर मैं निकालूं क्या और छोड़ूं क्या? क्या हुआ पोते, घबरा गया क्या तू? हाँ नहीं, मैं निकाल दूंगा, आप अंदर जाइए, मैं आता हूँ। क्यों दादी, दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं रे बेटा, बहुत आराम मिल रहा है। लीजिए दादी, मैंने आपके सारे सफेद बाल निकाल दिए हैं, अब एक भी सफेद बाल नहीं बचा। अरे हाँ सच में, पर सारे बाल हरे क्यों हो गए बेटा, बताना। अब ये जानकर आप क्या करेंगी? आपने कहा था कि सर पर एक भी सफेद बाल नहीं रहना चाहिए, एक भी नहीं है, देखिए। ये तो बहुत चालाक लगता है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो अब पिताजी को लौटा दीजिए ना। ठीक है, ले जा, वो रहे तेरे पिताजी। नहीं, सिर्फ पिताजी ही नहीं, मैं सबको लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ तो फिर तो मेरा कुछ और काम भी करना पड़ेगा पोते, बताओ। ठीक है, बताइए क्या करना होगा। मेरी बिल्ली के दांत गिनने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ बिल्ली, जरा मेरे पास तो आ। बाप रे, बिल्ली है या बाघ है, ये दिखने में कितनी भयंकर है। ये बहुत गुस्से वाली है रे पोते, बिल्कुल अपना मुंह खोलना नहीं चाहती। आप उसे प्यार करिए, मैं अभी आता हूँ। बिना जाल में फंसे बिल्ली मुंह नहीं खोलती है। अब आजा तो आजा, ये हड्डी खिलाता हूँ तुझे, आजा। फंस गई अब ये बिल्ली। 1, 2, 5, 7, 8, 12। अरे दादी, आपकी बिल्ली के 12 दांत है। अरे शैतान कहीं का। अरे अब गुस्साने से क्या होगा दादी, आपने कहा था मैंने गिन दिए बस। बहुत दिमाग है तेरे पास। अब अंतिम काम सुन, मुझे इस उम्र में टूटा झाड़ू लेकर रोज आंगन में झाड़ू लगाना पड़ता है, समझे तुम? इस उम्र में अब मुझसे नहीं होता, तुझे पेड़ों से पत्तों का गिरना रोकना पड़ेगा। है? पेड़ से पत्तों का गिरना कैसे रोक पाऊंगा? अच्छा ठीक है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, हो जाएगा। दादी बाहर आइए, आपका काम हो गया है। वाह रे पोते, तू तो सच में बहुत होशियार है।
लगता है सबको छोड़ना ही पड़ेगा, पर मैं सावधान कर देती हूँ तुझे, इस जंगल में कोई भी लकड़हारा लकड़ी काटने नहीं आना चाहिए। दादी, हम लकड़हारे बहुत ही गरीब हैं, दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता। उस पर से सूद का पैसा नहीं मिलने पर महाजन आकर कहता है कि वो हमारा घर छीन लेगा, अब हम क्या ही करें? समझ गई, बहुत ही बदमाश है वो, तो रुक यहीं पर। भोला, तू यहाँ? ये ले पोते, मैंने तुझे एक घड़ा मुहर दिया है, इसे देकर महाजन के सारे उधार चुका देना तू, समझा? इसे संभाल कर रखना। आप कितनी अच्छी हैं। इतने से ही तुम लोगों के सारे अभाव खत्म हो जाएंगे बेटा। पर हम तो लकड़हारे हैं, हमें तो पेड़ काटना ही पड़ता है। हाँ, मिल गया, एक उपाय मिल गया। आज से अगर हम एक बड़ा पेड़ काटेंगे तो 10 छोटे पेड़ लगाएंगे, जिससे कि पर्यावरण में सामंजस्य बना रहेगा। क्यों दादी? वाह रे पोता वाह, तू तो बहुत ही बुद्धिमान है। और आपने जो मोहरे दी है ना, उन मोहरों से हमारे कुछ साल तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। हाँ।